बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ शबाना मलिक एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द वेरी चैप्टर नंबर 1 ऑफ द 9th बुक। सो दिस इज़ द बुक ऑफ फॉर क्लास 9th। वेल, ये बुक जो है 9th क्लास के लिए है, बट यू हैव टू स्टडी इट इन क्लास 8 ऑल्सो फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। मूविंग फॉरवर्ड, these are the contents or chapters of this book. So this is unit number 1, introduction to biology. So today we have to study or start from the chapter unit number 1, yeah, chapter number 1, introduction to biology. So please dear students, open your books on page number 1. This is page 1, introduction to biology. These all are the subjects, or yeah, you can say these all are the objectives of the chapter. On page 3, we have our first topic, that is 1.1, introduction to biology. So dear students, before going to introduce biology to you, I would like to tell you about that what is science, why we study science, and what is science, science kya cheez hai. So if I explain it, so I will tell you that science, the word meaning of science, you can say, the word meaning of science has been taken, it's the Latin meaning. So it has been taken, or it has been created from the word scientia. I told you that it is Latin meaning, scientia, S-C-E-N-T-I-A, scientia. And scientia, simple meaning, yeah, word meaning is that is knowledge, or you can say discussion. So what is meaning of science? Now you can say that ki science ko kya matlab hai, science ka matlab hai, it is knowledge about something, it is a perfect discussion about something. So if I explain knowledge, yeah, if I explain science to you in simple words, I will say that science is basically the systematic study of structure and the behavior of physical and natural world through observation and experiment. सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब इस दुनिया में जितनी भी फिज़िकल चीज़ें होती हैं जो हमें नेक्स्ट आई पे नज़र आती हैं, और इसके अलावा जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, या नेचुरली अगर वो होती हैं या नेचुरली वो प्रोड्यूस हुई हैं, उन सब को स्टडी करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना, दैट इज़ सिंपली साइंस. सो If someone asks from you what is science, तो आप मेरे ख्याल से बता सकते हैं कि science जो है, it is the systematic study that builds and organizes, मतलब वो create करता है, बनाता है किसी भी चीज़ के बारे में knowledge in the form of testable explanation. वो आपको briefly और काफ़ी long explanations देता है after experiments या test, you can say, and predictions about the universe. Simply इस दुनिया के बारे में, अगर इस दुनिया के बारे में डिफरेंट प्रिडिक्शंस आपको बताता है, जो बिल्कुल ट्रू होती हैं, जिसमें कोई शक नहीं होता, और आपको डिफरेंट लॉज देता है. सो दिस इज़ कॉल्ड साइंस. सो व्हाट इज़ साइंस? साइंस, द वर्ड साइंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन मीनिंग, दैट इज सेंशिया. आई टोल्ड यू SCENTIA, सेंशिया, विच मीन्स नॉलेज. एंड सिंपली अगर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो सेंशिया या सॉरी साइंस जो है, वो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, जो आप किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, आप किसी भी बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, या किसी भी नेचुरल वर्ल्ड या यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, बाय विच थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट. आप पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, देन उसके बाद जो है आप एक्सपेरिमेंट करते हैं. क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमें वो चीज़ प्रूव हो जाए कि ये चीज़ मुझे इस तरह से ऑब्जर्व हुई है, अगर मैं ये इस तरह से करता हूँ तो क्या ये वाकई इसी तरह फिज़िकली मुझे नज़र आती है या नहीं. सो आप डिफरेंट टेस्टेबल यू कैन से लेवल्स से गुजरते हैं, और आप कोई एक्सप्लेनेशन या प्रेडिक्शन देते हैं किसी भी
स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। गोइंग फॉरवर्ड टू दिस टॉपिक, बेसिकली गर्ल्स जो है स्टडी ऑफ नेचर, बिहेवियर ऑफ नेचर, बिहेवियर ऑफ थिंग्स एंड ऑल दीज आर यू कैन से वी टेक इट फ्रॉम द साइंस और नॉलेज। सो इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी में अगर हम आएंगे तो आई विल लाइक टू एक्सप्लेन बियोलॉजी, द टर्म बियोलॉजी फर्स्ट टू यू। इट्स वेरी सिंपल। एक साइंटिस्ट था, हिज नेम वॉज सैडिस, ये लुक एट द बुक ऑन पेज 3, दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, लाइन नंबर 2।